हर हर महादेव, दर्शकों जय महाकाल। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, आप कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं पा रहा है, बीच में ही अधूरा रह जा रहा है, या धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, कारोबार नीचे घटता चला जा रहा है, व्यवसाय में तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है व्यवसाय में, और बहुत मतलब परेशानियां भरी पड़ी हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ये उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय के बाद आपके जो भी जीवन की तकलीफ़ हैं, समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय में क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जो आप जल लें वो आप स्टील के लोटे में जल लें, तांबे के लोटे में आपको जल नहीं लेना है, आपको स्टील के लोटे में जल लेना है। और आपको 11 तिल लेने हैं, 11 तिल काले जो तिल होते हैं वो आपको 11 ले लेने हैं। और उसे लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। वहाँ जाकर एक एक करके वो जो तिल होते हैं वो एक एक करके आपको उस लोटे में डालने हैं, जिसमें आपने कच्चा दूध मिलाया है और जिसमें जल मिला हुआ है, तो उसमें आपको एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए आपको एक एक करके तिल डालना है। एक तिल डाल लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा तिल डालिए, इस तरीके से आपको 11 तिल डालते समय 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वो जो जल है पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना बोलकर। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, संकट है, तकलीफें हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए वो जल आपको पीपल वृक्ष पर आधा लोटा जल चढ़ाना है। ध्यान रखिए आपको आधा लोटा जल चढ़ा देना है और आधा लोटा आपको बचा लेना है। उस आधे लोटे बचे हुए को आपको जाना है शिव मंदिर, वहाँ जाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए और लगातार श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए वो जो जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, लगातार श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए। तो ये उपाय आप एकादशी के दिन जरूर करिए। जो भी आपकी समस्या है, जो भी तकलीफें हैं, भगवान आपकी ज़रूर वो सुनेंगे, कोई भी समस्या होगी वो ज़रूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये उपाय करने से आपको भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव की भी, और माता लक्ष्मी भी इस उपाय से प्रसन्न होती हैं। तो आपके जो भी धन की समस्या है, कारोबार नौकरी की जो भी समस्या है, वो सब समाप्त हो जाएगी। गुरु जी ने एक उपाय और बताया, अगर यदि आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा उपाय कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है, कोशिश तो ये कीजिए कि तांबे के लोटे में लीजिए, उसमें गंगा जल, कोशिश ये कीजिए कि आप पूरा गंगा जल भरें उस लोटे में, गंगा जल पूरा भरिए। अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप जल भर लीजिए अपनी किचन से और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, वरना अगर आपके यहाँ ज़्यादा जल है गंगा जल, तो आप पूरा जल जो गंगा जल है वो लोटे में पूरा गंगा जल ही भरिए। उसके बाद आपको जाना है शिवालय, वहाँ जाकर आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से जल चढ़ाना है। अब जाइए आप शिवालय और देखिए शिव परिवार आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। उसमें सबसे पहले आपको जो जल है श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते हुए नंदी भगवान पर, नंदी जी महाराज होते हैं, वहाँ चढ़ाना है उन, और अपनी मनोकामना बोलनी है श्री शिवाय नमस्तभ्यम का, लगातार आप स्मरण करते रहिए। उसके बाद वो जो जल है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। उस फिर तीसरे नंबर पर जल आपको भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाना है, और चौथे बार आपको जल कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ाना है, भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, और फिर पांचवी बार जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है, और उसके बाद वो जो जल है जब नीचे आए जलाधारी से वो आपको थोड़ा सा लेकर आ जाना है, जल किसी उसी पात्र में ले आइए, चाहे आप कोई दूसरा कटोरी वगैरह ले जाइए लोटे के ऊपर रख के, उसमें आप थोड़ा सा जल ले आइए जितना ला सके, जितना आ जाए आपके पात्र में। फिर उस जल का आप घर में आकर 3 बार आचमन करें, 3 दिन तक लगातार आचमन करें, सबसे पहले उठकर उसी को आप पिए, फिर देखिएगा आपके जो भी दुख है, तकलीफें हैं, संकट है, वो सब समाप्त होंगे। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो वो भी सब रोग समाप्त होंगे, और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी इन उपायों से आपकी पूरी होगी। तो आप एकादशी को ये उपाय करना ना भूलें, अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए।